Hello guys and welcome to Aficionado's Den, where we stay in class. And guys, आज मैं एक अलग टाइप की वीडियो लेके आया हूँ, which is a comparison video. तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए. तो चलिए, लेट्स गो हेड एंड गेट ऑन टू द वीडियो नाउ. तो बहुत ज़्यादा अवेटेड वीडियो है ये. पीपल हैव बीन रिक्वेस्टिंग दिस वीडियो फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो नाउ आई एम हियर टू डू द रिव्यू, डू द कंपैरिजन ऑफ दीज टू बजट विस्कीज, इंडियन विस्कीज. सो लेट्स गो हेड एंड गेट ऑन टू द रिव्यू. तो अगर आप लोगों ने अभी तक सोलन नंबर वन ब्लैक का रिव्यू नहीं देखा है तो आपको मैं बता दूं कि मैं इसका ऑलरेडी एक बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू कर चुका हूँ. द लिंक इज इन द आई बटन, प्लीज़ गो हेड वॉच इट, अ वेरी गुड वीडियो. और अगर आप लोगों ने सोलन नंबर वन का नहीं देखा है तो वो भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप क्या कर रहे हैं अभी तक, जाइए आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, गो हेड वॉच द वीडियो, वेरी नाइस वीडियो इंडीड. चलिए, ये तो हो गई हमारे वीडियोज़ की बात. बट आप सभी जानते हैं कि सोलन नंबर वन एंड सोलन नंबर वन ब्लैक इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मोहन मीकिंस. और मोहन मीकिंस के बारे में भी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक रिव्यू किया था, जो मैंने ओल्ड मंक का रिव्यू किया था उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था अबाउट मोहन मीकिंस एज अ कंपनी. तो जाइए, लिंक मैं डाल देता हूँ इन द आई बटन ओल्ड मंक रम का, जाइए देखिए उसको एंड एक्सप्लोर मोर अबाउट मोहन मीकिंस. तो चलिए, बहुत हो गई बातचीत, बहुत हो गया अबाउट द वीडियोज, लेट्स गो हेड एंड लेट्स पोर द ड्रिंक्स एंड लेट्स सी वॉट दीज विस्कीज हैव टू ऑफर एंड विच इज़ द बेटर वन. तो चलिए, पहले हम बात करते हैं सोलन नंबर वन, क्योंकि ये छोटा भाई है. चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स एंड पोर. अनबॉक्स हुई हुई है, ये वही बॉटल है जिसका मैंने रिव्यू किया था. चलिए पोर करते हैं. गाइस, मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, इसमें मैं इसके टेस्ट वगैरह की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रिव्यू कर चुका हूं इसका. तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और सोलन नंबर वन का रिव्यू देखिए, आपको पता लग जाएगा. तो चलिए, ये हो गई है पोर, लेट्स गो हेड एंड पोर सोलन नंबर वन ब्लैक एज वेल. एंड अगेन गाइज, मैं इसका भी डिटेल्ड कुछ नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इस विस्की के बारे में एक डिटेल्ड रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूं. तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए आई बटन पे क्लिक कीजिए, किसकी वेट हो रही है. तो चलिए, दैट्स ऑल अबाउट दीज विस्कीज. ये हमारे दो कंपेटिटर्स जो हैं वो आ गए हैं मार्केट में. तो चलिए, ज़्यादा वेट ना करते हुए हम करते हैं अपनी टेस्टिंग ट्रे अपने सामने एंड लेट्स गो हेड एंड रिव्यू इट. तो इसका फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल होने वाला है, पहले जैसे मैं कंपैरेटिव टेस्टिंग करता रहता हूँ विथ वाटर एंड विदाउट वाटर. तो ये अब जो है ये फोर फोल्ड हो जाएगा, दैट इज़ मैं इसको ऐसे भी टेस्ट करूँगा दोनों विस्कीज़ को, टू एंड फ्रो एंड उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैं दोबारा टू एंड फ्रो इस विस्की को नोज़ एंड टेस्ट करूँगा. तो चलिए, लेट्स गो हेड एंड गेट ऑन टू द कंपैरेटिव टेस्टिंग. मुझे ज़्यादा कलर में फ़र्क नहीं दिख रहा है, दोनों का ही गोल्डन कलर है. सोलन नंबर वन ब्लैक का जो है वो हल्का सा बस 19.5-20 का जो है वो फ़र्क है, सोलन नंबर वन का जो है वो थोड़ा सा डार्क है, बट ऑफ कोर्स इसमें कलर्स एडेड हैं. चलिए बात करते हैं हम लोग सोलन नंबर वन की. पहले एक फ्लोरल अरोमा है इसमें, हल्की सी फ्रूटीनेस है, बहुत ज़्यादा मॉल्टीनेस है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का पंच आ रहा है ऑन द नोज. सो मच सो कि मैं अगर नोज करके हटा भी देता हूँ स्टिल आई कैन फील अल्कोहल इन माय नॉस्ट्रल्स. तो That's how it is. Let's go ahead and taste it. बहुत ही ज़्यादा पंच है अल्कोहल का.
एक एस्ट्रिंजेंसी है विच आई कैन फील एट द बैक ऑफ माई पैलेट. अप फ्रंट स्वीट है, वनिलिन के नोट्स हैं, फ्रूटीनेस है, एक हल्का सा फ्लोरल फ्लेवर भी है इसमें, बट वो एस्ट्रिंजेंसी जानलेवा है. तो चलिए लेट्स गेट ऑन टू द बिग ब्रदर दैट इज सोलो नंबर वन ब्लैक. चलिए लेट्स गो अहेड एंड नोज इट. एक ओकीनेस है, एक वनिलिन का अरोमा है, फ्लोरल नोट्स नहीं है इसमें, फ्रूटीनेस है एक हल्की सी. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्ट. एस्ट्रिंजेंसी इसमें भी है बट हल्की सी कम है. कंपैरेटिवली दिस इज स्मूदर देन दिस, बट सिर्फ एक नॉच का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. बोथ आर हार्श विस्कीज. आई वुड स्टिल से कि दिस इज़ बेटर, दो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. दिस इज़ फॉर 490 रुपीज़ इन दिल्ली एंड दिस इज़ फॉर 410 रुपीज़ इन दिल्ली. सो ज़्यादा फ़र्क नहीं है विस्कीज़ में, बट आई वुड से दिस इज़ अ नॉच अबव देन वॉट दिस इज़. चलिए थोड़ा पानी डाल के देखते हैं क्योंकि ऐसा तो जान ले पाए. Dash of water. चलिए let's get on to the taste again. सोलो नंबर वन पे दोबारा जाते हैं. The good part is कि इसने अपने floral aromas जो अभी ख़त्म नहीं किए हैं, वो vanillin का note अभी भी खुल के आ रहा है. चलिए let's get on to the taste. बिल्कुल फ्लैट विस्की हो चुकी है, सारे के सारे फ्लेवर्स ख़त्म हो चुके हैं, मुझे कोई फ्लेवर्स नहीं आ रहा, हल्की सी स्वीट नोट आ रहा है ऑन द पैलेट, दैट्स इट. मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं विस्की पी रहा हूँ, मुझे बस ऐसा लग रहा है मैं पानी पी रहा हूँ, विथ अ बिट ऑफ स्वीटनेस इन इट एंड अ बिट ऑफ ओकीनेस एंड वनिलिन इन इट. तो नो नो. चलिए लेट्स गो डाउन टू द सोलो नंबर वन ब्लैक वेरिएंट एंड सी व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर. चलिए आई वुड से कि बहुत अच्छा फ्लेवर इसका भी नहीं है, बट ये है कि इट हैज़ हेल्ड अप टू इट्स फ्लेवर्स अ बिट. जिसमें जैसे उसमें बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, इसमें वो नहीं है. इट हैज़ हेल्ड अप टू इट्स फ्लेवर्स थोड़ा बहुत, सो आई कैन स्टिल गेट द टेस्ट्स ऑफ फ्रूट्स इन इट, आई कैन स्टिल गेट ओकीनेस एंड वनिलिन इन इट. तो इन माय ओपिनियन सोलो नंबर वन आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड एनीवन. इफ़ इन केस अगर किसी को जाना है फॉर अ बजट ऑप्शन तो गो फॉर सोलो नंबर वन ब्लैक. दिस इज़ अ बेटर वेरियंट, बट ओवरऑल मैं दोनों ही विस्कीज इतनी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा. सो दैट्स द वर्डिक्ट, दैट इज़ ऑल अबाउट द कंपेरिजन टूडे. मेरे हिसाब से दोनों ही विस्कीज जो हैं, दो इंडियन विस्कीज मेड बाय मोहन वीकिंस, बट मेरे हिसाब से आई वुड नॉट रिकमेंड इट, आई वुड नॉट गिव इट अ सेकेंड चांस. बट अगर फिर भी किसी को दोनों में से एक खरीदनी है तो आई वुड स्टिल रिकमेंड सोलन नंबर वन ब्लैक इंस्टेड ऑफ सोलन नंबर वन. दैट्स इट फॉर द वीडियो टुडे. प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड एज वी से इन एफिशिएंट ऑटोस, स्टे क्लासी एंड चीयर्स.